एवरीवन, माय एक्सपेरिमेंट विद फूड्स में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट प्रिया आज आपके लिए लेके आई हूँ एक सिंपल और इजी कॉर्न चाट की रेसिपी। आ गया ना मुंह में पानी और आंखों के सामने इसका नजारा, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो हमें चाहिए फ्रोजन कॉर्न, बटर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, नमक, कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ हरी प्याज, नींबू कटा हुआ और कटी हुई हरी मिर्च। तो पहले हम इसे उबाल लेंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने इसे उबालने के लिए छोड़ दिया है और ये आपको आराम से किसी भी मॉल, किसी भी शॉप, ग्रॉसरी शॉप या फिर किसी भी मतलब आइसक्रीम पार्लर वगैरह में मिल जाएगा। यहाँ पे ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँ। मैंने यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है, अब मैंने इसमें बटर डाल लिया है। बटर आप अपने कॉर्न के हिसाब से डालें, कितना कॉर्न आप चाट बनाने के लिए यूज़ ले रखे हैं उस हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे एक पैकेट कॉर्न यूज़ किया है चाट बनाने के लिए, कॉर्न चाट बनाने के लिए, और मैंने इसमें ये डाल दिया बॉइल्ड कॉर्न। और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करके फ्राई कर लूँगी बटर के साथ। इसका फ्लेवर और डबल हो जाता है इस प्रोसेस से। और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब मैं इसको एक जगह पर निकाल लूंगी। ये देखिए अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ प्याज, प्याज को बिल्कुल बारीक काटे, और कटा हुआ टमाटर, इसको भी बिल्कुल बारीक काटे टमाटर को आप, और नींबू का रस निचोड़ लूंगी। आप चाहें तो पहले ही नींबू का रस निकाल के रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल लिया इसके ऊपर, थोड़ा सा जीरा पाउडर जिसको मैंने घर पे ही रोस्ट करके पाउडर बनाया था उसे डाल रही हूँ, और नमक, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। फिर मैं इसमें डालूंगी धनिया पत्ता और इसको पहले मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से। मिक्स करके मेरी बेटी के लिए पहले मैं अलग निकाल लूंगी, क्योंकि उसे तीखा नहीं पसंद खाना, वो तीखा नहीं खाती है। फिर मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च कटी हुई, हरी मिर्च आप अपने तीखे के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, हम लोग का जो काली मिर्च होती है उसका पाउडर। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे, और ये मिक्स हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और कॉमेंट्स के थ्रू बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं आऊँगी फिर एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।